मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर को मलिक रियाज की जानिब से ऐसा क्या तोहफा दिया गया जिसे देखने के बाद आप पिछले तमाम तोहफों को भूल जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मलिक रियाज पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अमीर शख्स हैं और उनके पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमाओं से गहरे मरासिम हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान या सहाफी नहीं है जिसने कुछ न कुछ मलिक रियाज से ना लिया हो, लेकिन आज हम आपको एक अनोखे तोहफे के बारे में बताएंगे जिसे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अमीर शख्स मलिक रियाज ने मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर को दिया। मलिक रियाज को इस शादी में शिरकत की दावत दी गई जिससे वो अपने कारोबारी मसरूफियात की वजह से शिरकत ना कर सके। तमाम अब मीडिया में ये बात आई है कि मलिक रियाज ने मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर को शादी की मुबारकबादी के तौर पर 60 करोड़ रुपए की एक गाड़ी दी है। ये गाड़ी पाकिस्तान की सबसे महंगी गाड़ियों में शुमार की जाती है और इस तरह का तोहफा आज तक किसी ने किसी दूसरे शख्स को नहीं दिया होगा। जो शख्स एक शादी के तौर पर 60 करोड़ रुपए का तोहफा दे सकता है, सोचें उसके पास कितनी दौलत होगी।